नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार का 28 अगस्त को कोरोना की वजह से निधन हो गया। 70 साल के वसंत कुमार 10 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। वे तमिलनाडु की कन्याकुमारी सीट से सांसद चुने गए थे। वे देश के पहले सांसद हैं जिनकी मौत कोरोना के चलते हुई है। निधन के बाद वसंत कुमार का लोकसभा में दिया एक भाषण का वीडियो वायरल है। इसमें वो कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और जरूरतमंदों की मदद करने की मांग उठाते सुनाई देते हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि जब वे कोरोना को लेकर बोल रहे थे तब तय समय से ज्यादा बोलने पर उनका माइक बंद कर दिया गया था। ये वीडियो कांग्रेस से जुड़े नीरज भाटिया ने ट्वीट किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, 20 मार्च को कन्याकुमारी सांसद वसंत कुमार ने लोकसभा में अपने भाषण में कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग रखी थी। उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों को सीधे फायदा पहुंचाने और छोटे उद्योगों की मदद के बारे में भी बात की थी। कुछ सेकंड बाद ही हंसी ठहाके के जरिए उनको बोलने में व्यवधान डाला गया। आखिर क्या कहा था वसंत कुमार ने? एच वसंत कुमार ने अपने भाषण में कहा था, स्पीकर महोदय, कोरोना वायरस से पूरे देश पर असर पड़ रहा है, इसीलिए हमें इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। कमाई ना होने के चलते लोन चुकाने पर असर पड़ेगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह छोटे कारोबारियों और उद्योगों को लोन चुकाने में कम से कम 3 महीने की राहत दे। दिहाड़ी मजदूरों पर बुरा असर पड़ा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह ऐसे प्रत्येक परिवार को कम से कम 2,000 रुपए दे। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तृणमूल सांसद सौगत राय को बोलने के लिए खड़ा होने को कहते हैं, लेकिन वसंत कुमार 1 मिनट मांगते हुए कहते हैं कि सरकार को जीएसटी में भी राहत देनी चाहिए। इसके बाद लोकसभा स्पीकर कहते हैं, माइक बंद। हालांकि वसंत कुमार समय मांगते सुनाई पड़ते हैं, लेकिन स्पीकर सौगत राय को बोलने के लिए कह देते हैं। वसंत कुमार राजनीति के साथ ही बिजनेस में भी सक्रिय थे। उन्होंने करियर की शुरुआत एक सेल्समैन के रूप में की थी। बाद में उन्होंने खुद का बिजनेस खोल लिया था। उनका वसंत एंड कंपनी नाम से घरेलू उपकरणों का कारोबार भी है। वसंत टीवी नाम से उनका एक चैनल भी है। वे अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ गए। वे पहली बार सांसद बने थे और तमिलनाडु कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। सांसद बनने से पहले वो 2 बार विधायक चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने लिखा, लोकसभा सांसद एच वसंत कुमार के निधन पर दुखी हूं। कारोबार में उनकी प्रगति और सामाजिक सेवा के उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती थी, मैं हमेशा तमिलनाडु के विकास के प्रति उनके जज्बे को देखता, उनके परिवार और समर्थकों को सांत्वना, ओम शांति। वहीं राहुल गांधी ने लिखा, कन्याकुमारी सांसद एच वसंत कुमार की कोरोना के चलते असामयिक मौत एक सदमे की तरह है। लोगों की सेवा करने की कांग्रेस विचारधारा के प्रति उनका दृढ़ निश्चय हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। उनके दोस्तों और परिवार के प्रति दिल से सहानुभूति। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।